आज मैं वोट इसलिए मांग रहा हूं, मैं मेरे खुद के लिए नहीं मांग रहा हूं। मुझे तो 84 की जनता ने इस बार भारी बहुमत से 1,11,000 वोट से जिता के बचा दिल्ली भर को। लेकिन मैं आशा रहा हूं मुंबईपुर के सभी कार्यकर्ताओं, जनता का लगा कि इस बार चले कांग्रेस में खाई खुलने के बाद शांत नहीं किया ना, ठिकाना लगा रहे कि तमिल भी खाई पड़ेगी जो होती। महेंद्र जी के मालविया जिन्हें अमर जिन्हें बेहद बड़ा बुजुर्ग थे, कई खतरनाक आदर्श मानता कि नहीं मानता, कई जगह भगवान वजह मानता और तो कांग्रेस और तो बीजेपी को करें हवा थमा कूटा ही होता था। और मालवीय जी डर्रे करी करें हत्या गाड़े पर आने जाते चाहिए समझते क्यों नहीं की क्यों ऐसी स्थिति बननी है। आपने विचार करना पड़ेगा जी नेता खुद में समाज में नहीं थे, जी नेता कांग्रेस पार्टी में रहे सरपंच से लगा दिए, प्रधान जिला प्रमुख प्रधान एमएलए एमपी मंत्री बन गया अपनी पार्टी ने नहीं थे और कहते कांग्रेस में रह के कांग्रेस हमारी आई है कहता बोल के और आज से आई तो अगली कई जीत गई कहीं नहीं कहता है एवं नेता में तो बरसे था चाहे जनता नहीं गई है, जनता राज भी है मन भी है जनता हम भी गई है कि वो नेता किस लिए भागे हैं। वो नेता इसलिए भागे हैं कि करोड़ों अरबों का घोटाला किया और ये अपन नहीं कह रहे हैं, भाजपा वाला नेता कहता था कि मालवीय से नहर में नाम थके पाने नाम थके 3,500 करोड़ ने घोटाला की बन भाजपा के नेता ही मांग कर रहे थे कि मालवीय जी पेपर लीक घटना में बाबूलाल जी पचाना में केन के इन्वॉल्वमेंट के था। लेकिन हमारी जनता इन पर भरोसा करती रही, इस पांडाल में बैठे हुए बड़ी लोग माता बहना उनसे कहना चाहूंगा मैं, आप सभी कहीं इनके बच्चों को पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो, सुरम बनाओ नहीं बनाता कटला लड़ा हुआ है कि बता रहे कि सुरम नहीं बनाता है, कौन जगह है कि मार सुरम नहीं बनाते हो या सुरम सुरम नहीं बनाते हो कौन है। हम सब बच्चे को पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, हाथ खड़ा करो कितने जने बच्चों को पढ़ा रहे, सब पढ़ा रहे अपने बच्चों को। अब ये बताओ मुझे कि आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, आने से कि आवाज आई नौकरी बोल लो। हम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चा पढ़ लिख के समझदार बनेगा, जागरूक बनेगा, नौकरी करेगा, धंधाबाजी करेगा, इसलिए पढ़ा रहे हैं। और तमें सुरान के फटाफट नौकरी ला फटाफट भागड़ सिरों रात दिन मेहनत करता है पढ़ाई करता है, लेकिन ऐसे ही नेता पेपर लीक करवा के जिसने कभी मेहनत नहीं की ऐसे लड़कों को पेपर दे के 15-15, 20-20 लाख में पेपर बेच देते हैं और जो मेहनत करने वाले बच्चे बेचारे रह जाते हैं। हम बच्चों को किस स्थिति में पढ़ाते हैं, आप रात दिन मेहनत करते हो मजदूरी करते हो कोचिंग करवाते हो ट्रेनिंग करवाते हो पढ़ाई करवाते हो, जरूरत पड़ती है जमीन जमरात गिरवी रख के ब्याज का पैसा लेके बच्चों को पढ़ाते हो आप। लेकिन कई ऐसे नेता है जिनमें से ये भी है बाबूलाल जी कटारा ने से साथ में मिलके पेपर लीक करवाया और पेपर लीक करवा के पेपर बेचने का काम किया। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाना कि नहीं सिखाना इस बार, ये चुनाव अपन जितना थे जीत रहे हैं लेकिन ऐसा सबक सिखाना है कि अब आने वाले 100 साल तक इस इलाके में कोई नेता समाज के साथ क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी नहीं करे, ऐसा सबक सिखाना है इस बार। जितना तो नहीं सही
लेकिन दिल्ली और जयपुर वालों को भी पता चलना चाहिए कि इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, जनरल समुदाय, वो स्वाभिमानी है, वो बिकने वाले के साथ नहीं जाएगा, टिकने वाले के साथ जाएगा, ये एहसास कराना है इस बार आपको। आज देश में जो स्थिति बना रखी है, एक समय तक भाजपा के नेता नारा लगाते थे न खाएंगे न खाने देंगे, उनको कहा देता न खाएंगे न खाने देंगे, विदेश में काला धन है सारा ले आएंगे, 15-15 लाख प्रत्येक खाता में लगाएंगे, कहते नहीं कहते थे आप जाएंगे नहीं देखो तो आप जाएंगे मैं आप जाए प्यारा ब्याज सहित वसूल करवाए नहीं करवाए, लग लेंगे करेगा तलवार लेंगे करेगा वो लेंगे करेगा लात और तलवार से कि नहीं मौत से किया हम प्रयास कर दो। ये लड़ाई हम तलवार या लट से पत्थर से नहीं, ये लड़ाई शिक्षा के माध्यम से, वोट के माध्यम से, कलम के माध्यम से लड़नी है हमको। आप देश में हालत खराब कर रखे हैं, आज ये महिलाओं की बात करते हैं कि शक्ति नारी शक्ति, देश के अंदर महिलाओं की हालत खराब है, भाजपा की सरकार आदिवासी महिला को कपड़े निकाल के सड़कों पर निकाला और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई। परिवार कहीं 21-22 तारीख की मोदी जी आ गए, महिला सम्मान में लेन पे नहीं आ रहा, मणिपुर जाने का अवसर नहीं मिला उनको। और दुख की बात यह है कि सारे मीडिया को खरीद रखा था।